आज एक बहुत फेमस कहावत मुझे याद आ रही है कि कौन कहता है चांद पर सुराग नहीं हो सकता, यारो एक पत्थर ऊपर देखकर तबेत से उछाल कर तो देखो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। आज ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है कि अगर लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके माइंड में आपने ये चीज सोच ली है कि भैया हमने लक्ष्य को किसी भी कीमत पर किसी भी हालत पर प्राप्त करना है तो वो लक्ष्य वो गोल आप अचीव कर ही लोगे। 2019 में जो असफलता हमें मिली, 2019 में हर कोई रोया, 2019 में हर भारतवासी के आंखों में आंसू थे, उसी अब 2023 में उसी भारतवासी के आंखों में आंसू हैं, लेकिन खुशी के आंसू है। दरअसल बात कर रहे हैं हम चंद्रयान 3 के लैंडिंग की। जी हाँ, चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर लैंड हो चुका है, सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग उसकी हो चुकी है। लगातार 2 बार फेल अटेम्प्ट के बाद चंद्रयान 3 फाइनली अब चांद पर पहुंच चुका है। गायतोंडे का वो फेमस डायलॉग आपको याद होगा, अपन चांद पर है, तो अब एक्चुअल में अपन चांद पर ही है। इसकी बधाइयां हर कोई इसरो को दे रहा है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और सभी के लिए। इसी उपलक्ष पर बीसीसीआई ने भी बधाइयां दी है इसरो को, साथ ही साथ टीम इंडिया जो कि डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ तीसरा टी20 मैच खेलने जा रही थी उस वक्त तक, उसकी भी उस उपलक्ष में टीम इंडिया इकट्ठी हुई, वो भी ये हिस्टोरिक मूवमेंट टेलीविजन पर देख रहे थे, जिसकी वीडियो बीसीसीआई ने अपने हैंडल में डाली है। तो हर कोई उस वीडियो में शामिल था, जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, हर किसी का जो छाती थी वो गर्व से फूली नहीं समा रही थी। उसी के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन दोनों ने, जो एक कप्तान है दूसरे भारत के पूर्व कप्तान है, दोनों ने अपनी खुशी जताई, दोनों ने इसरो को धन्यवाद दिया, दोनों ने सभी को धन्यवाद दिया कि आज सक्सेसफुली ये हिस्टोरिक डे हमें देखने को मिला। साथ ही साथ दिनेश कार्तिक ने भी ट्विटर के जरिए अपनी भावना व्यक्त करी, ईशांत शर्मा द ग्रेटेस्ट बॉलर ने भी अपनी भावना व्यक्त करी, और तमाम तमाम जो क्रिकेट जगत के सारे खिलाड़ी थे उन्होंने ट्वीट करके सभी को धन्यवाद दिया, इसरो को धन्यवाद दिया कि भैया ये डे जो है, ये दिन जो है वो बस इसरो की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, आई एम श्योर आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अब कमेंट्स करके बताइए कि आज का दिन कितना ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, किस किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।